राजस्थान में झुलसा देने वाली गर्मी के बीच डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ महीनों में डेंगू के करीब 919, मलेरिया के 194 और चिकनगुनिया के 79 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा केस प्रदेश के बीकानेर जिले में दर्ज किए गए हैं। यहां डेंगू के 211 व मलेरिया चिकनगुनिया के 14 मरीज मिले हैं। हालांकि प्रदेश में कई ऐसे जिले भी हैं जहां एक भी डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का मरीज नहीं मिला है। किस जिले में मिले कितने मरीज, आइए जानते हैं। बीकानेर में 211, जयपुर ग्रामीण में 110, जयपुर 58, बूंदी 49, कोटा 44, झालावाड़ 38, टोंक 29, सवाईमाधोपुर 27, अलवर और राजसमंद 24, करौली में 19। डेंगू बुखार के लक्षण, डेंगू के दौरान बुखार, सिरदर्द, थकान, आंखों के नीचे लालिमा दिखाई देना, पेट में दर्द, उल्टियां, डायरिया और खून की कमी शामिल हो सकती है। डेंगू और मलेरिया से बचाव के उपाय इस प्रकार हैं। दैनिक उपयोग में लिए जा रहे कूलर, फ्रिज की ट्रे, कबाड़, गमले के नीचे की ट्रे, परिंडे खाली कर सुखाने और मच्छर जनित रोगों से बचाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। घर में मच्छरों को न पनपने दें, किसी भी जगह पानी एकत्र न होने दें, पूरे शरीर को ढक कर रखें। बीमारी के लक्षण दिखने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें।